भारत सरकार ना पोस्टल विभाग अंतर्गत महिलाओं ने आर्थिक रीते सशक्त करती आकर्षक व्याज दर ની યોજના એટલે કે મહિલા સન્માન બચત પત્ર આઝાદીના અમૃત વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023-24 માં જાહેર કરાયેલી મહિલા સન્માન સેવિંગ સર્ટિફિકેટ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓની નાણાકીય બચતને વધારવાનો અને તેમને વધુ સારું વળતર આપવાનું છે। महिला ने बाल विकास विभाग ना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ए पण पोस्ट ऑफिस मा MSSC नु खातु खोलाव्यु छे। तरे राजकोट शहर मा सदर बजार विस्तार मा आवेली हेड पोस्ट ऑफिस खाते महिलाओं माटे आज थी महिला सन्मान बचत पत्र योजना हेठळ खातु खोलावानो कैंप सवारे 10 कलाक थी बपोरे 3 कलाक सुधी योजवामां आव्यो हतो। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मैं सीनियर पोस्ट मास्टर राजकोट HO की तरह काम कर रहा हूँ। अभी जिस तरह सभी डिपार्टमेंट और सभी मिनिस्ट्री महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए नई नई स्कीम, ताकि महिला का उत्थान हो और उसके साथ साथ हमारे समाज का और देश का उत्थान हो, उसके लिए कई सारी स्कीम चला रहे हैं। तो अभी ये 1/4/2023 से केवल महिलाओं के लिए एक ये स्कीम आई है, जिसमें कि वो मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 2,00,000 रुपये तक रोक सकते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। जो किसी भी जो TD खाता होता है या जो भी डिपॉजिट अकाउंट होता है इस तरह का, उसमें मैक्सिमम जो 7.5% का इंटरेस्ट है वो 5 साल में मिलता है। इवन 3 साल में भी इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन इसमें आपको केवल महिलाओं के लिए 2 साल में ही वो इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, और इसमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसमें 7.5% की जगह फाइनली जब इनको रकम मिलती है तो वो 8% से भी ज़्यादा मिलती है। लोगों को ये फ़ायदा होगा कि इसमें वो अपनी जो भी छोटी पूंजी जो बैंक में रखते थे, सेविंग बैंक में या दूसरे किसी अपने घर में संभाल के रखते थे, वो पैसा अगर वो यहाँ पे लाके डालेंगे तो उससे भी उनको अच्छा खासा ब्याज मिल सकेगा, और जो कि वो अपने परिवार के इस्तेमाल में, परिवार के भले में इस्तेमाल कर सकेंगे।